बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबीना आसिफ। आज हम कॉफ़ी केक बनाएंगे। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो ये है। इसके लिए हमने 100 ग्राम अनसोल्टेड बटर लिया है, और अगर हम कप से देखेंगे तो ये हाफ कप है। आप चाहें तो सोल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 100 ग्राम ही हमने शुगर ली है, ये भी अगर हम कप से देखेंगे तो यह हाफ कप बनेगी। घर में आम इस्तेमाल होने वाली चीनी है, इसे हमने पीस लिया है। 100 ग्राम हमने मैदा लिया है, और अगर कप से देखेंगे तो ये 1 कप बनेगा। मैदा हल्का होता है इसलिए ये 1 कप बनता है, और शुगर जो होती है वज़न रखती है इसलिए ये 100 ग्राम हाफ कप बनती है। 1 टेबलस्पून हमने कोको पाउडर लिया है, 2 अंडे लिए हैं हमने, 1 टेबलस्पून हमने भर के कॉफ़ी ली है, ये इंस्टेंट कॉफ़ी है, 1 टेबलस्पून हमने भर के कॉफ़ी ली है, 2 चम्मच हमने पानी का लिया है, ये हम कॉफ़ी को मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये है, ये कुछ चीज़ें हमने ली हैं, ये हम ऊपर से डालेंगे इसके, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो इसे निकाल दें। ये हमने तकरीबन 2 चम्मच भर के हमने अखरोट ली है, वॉलनट्स हैं ये, और इसे हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। 1 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है, 1/2 चम्मच या 1 टीस्पून हमने ली है ब्राउन शुगर, और 1/2 टीस्पून हमने लिया है बटर। इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे, और फिर मैं आगे बताऊंगी कि ये हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये ऑप्शनल में है। और हमने तकरीबन ये 1/2 कप के करीब हमने ये कुकिंग चॉकलेट ली है, और इसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है, और इसे हम मेल्ट करेंगे। ये भी हम ऑप्शनल है, अगर आप इस डालना चाहें तो डालें, और अगर ना डालना चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। 1 टीस्पून हमने लिया है लेवल, बिल्कुल 1 टीस्पून हमने बिल्कुल लेवल करके इसको लिया है। हमने बेकिंग पाउडर है ये लिया है। अब हम अपने केक की तैयारी करते हैं। हमने अपने ओवन को प्री हीट होने के लिए खोल दिया है, और उसका टेम्परेचर है 180, और इस केक को हम बनाने के लिए जो पैन इस्तेमाल कर रहे हैं या मोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम लूफ मोल्ड ले रहे हैं। आप चाहें तो स्क्वायर भी ले सकते हैं और गोल वाला भी ले सकते हैं, मगर जब हम टी केक बनाते हैं तो उसके लिए बेहतर यही होता है। स्क्वायर या जो हम राउंड शेप का लेते हैं वो हम ज़्यादातर आइसिंग के लिए या बटर क्रीम के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम मैदे को और इन चीज़ों को पहले छान लेंगे, ये हम छान के रख लेंगे इन चीज़ों को। ये 100 ग्राम हमने मैदा लिया था, और 1 टेबलस्पून हमने कोको पाउडर लिया था, और 1 टीस्पून हमने ये लिया है बेकिंग पाउडर। इन तीनों चीज़ों को हम छान लेंगे, और ये हमने जो कॉफ़ी ली थी इसमें हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। इसे भी मेल्ट करके हम रख लेंगे, ज़्यादा नहीं डालना, बस 2 चम्मच के करीब हमने पानी डालना है। ये रख लेंगे हम, ये हमने आइसिंग शुगर ली है 100 ग्राम या 1/2 कप ये, और 1/2 कप या 100 ग्राम हमने लिया है अनसोल्टेड बटर। इन दोनों को हम जो है अच्छी तरीके से बीट करेंगे, और इसका टेक्सचर हम क्रीमी लेकर आएंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेते हैं। इसे हमने अच्छी तरीके से बीट कर लिया है, और इसमें तकरीबन 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस भी जाएगा। 1/2 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस का डालेंगे, और इसे मज़ीद 1 मिनट और बीट करेंगे। अब इसे हमने अच्छी तरीके से जो है इसे बीट करा है, और इसका हमने क्रीमी टेक्सचर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 अंडा डालेंगे, और 1 चम्मच हमने ये जो मैदा, कोको पाउडर और जो बेकिंग पाउडर था ये हमने छान के रखा था, इसको डालेंगे। बस 1 टीस्पून डालेंगे हम थोड़ा सा, वो ये इसलिए हम डालते हैं ताकि हमारा जो बैटर है वो कर्डल ना हो और लम्स ना बने, इसलिए हम थोड़ा सा मैदा डाल लेते हैं, तो फिर हम सेफ साइड हो जाते हैं। और जब हम ये डालेंगे अंडा और मैदा डालेंगे तो फिर इसकी रफ्तार को कम कर लेंगे, क्योंकि अब हम फोल्डिंग का अमल करेंगे इसलिए इसकी रफ्तार हमने तेज़ नहीं रखनी, इसकी रफ्तार को हमने कम करना है, 1 या 2 पे करना है बस। अब दूसरा अंडा डालेंगे हम, और फिर हम इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, और इसे वापस बीट करेंगे। अब इनकी साइडों को अच्छी तरीके से साफ कर लें ताकि ये इक्वल जो है मिक्स हो सके। अब इसमें हम जो है ये थोड़ा थोड़ा मैदा जो हमने छान के रखा हुआ था ये डाल के हम इसको फोल्ड करेंगे,
मीटर की रफ्तार को हल्का ही रखेंगे हम, वन पे रखेंगे इसको। थोड़ी सी ये जो हमने कॉफ़ी रखी थी, कॉफ़ी रखी है उसको मिक्स कर लें। थोड़ी सी हम कॉफ़ी डालेंगे इसमें, मैदा डालेंगे वापस से, कॉफी डाल देंगे, साइडों को साफ करेंगे। इसको साइडों से साफ कर लिया अच्छी तरीके से हमने। अब ये जो कॉफी है ये सारी डाल देंगे हम, और ये जो मैदा बचा था ये भी हम सब डाल देंगे, और इसको वापस से फोल्ड करेंगे। अब इसको इस स्पैचुला की मदद से जो है हम साइडों से साफ करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो है अगर नीचे हमारा मैदा रह गया हो तो वो भी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। अभी हमारा अच्छी तरीके से फोल्ड हो चुका है, अभी इसको हम मोल्ड में डालेंगे। अच्छा, आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, ये वेरिएशंस है, ये ज़रूरी नहीं है इसमें कि जैसे अगर आप इसमें डालना चाहें तो अंदर वॉलनट्स डाल सकते हैं, थोड़े से अखरोट चॉप करके आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ना डालना चाहें तो आप इसको बेसिक केक, इसका कॉफ़ी केक इसी तरीके से बनेगा कि इसमें कुछ नहीं जाएगा, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब ये हमने इसमें बैटर को डाल के मोल्ड में, और इसको हल्के हल्के झटक लें ताकि ये लेवल में आ जाए। और अब ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि ऑप्शनल है, ये हमने 1 टेबलस्पून हमने मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून हमने वॉलनट्स लिए हैं चॉप, 1 टीस्पून हमने जो है ब्राउन शुगर ली है, और 1/2 टीस्पून हमने बटर लिया है। और ये जिसमें मैंने कॉफ़ी को मेल्ट करा था वही मैं कॉफ़ी का जो है इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसमें ये सब चीज़ें डाल दूँगी और इसको हम मिक्स करेंगे। इससे बस ये होगा, थोड़ा सा जो है टेस्ट और बेहतर हो जाता है और केक हमारा खूबसूरत लगने लगता है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, सिर्फ इस वजह से है। वरना अगर आप खाली इसको भी बेक करना चाहें तो ये भी कॉफ़ी केक है और ये बेक होके जो है ये पूरा है, मगर ये कि थोड़ा सा हम इसको, बल्कि हाथ से करूँगी तो इसमें ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको इस तरीके से कर लें कि ये ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए। अब ये मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, मैंने कॉफ़ी के ही बाउल में करा था ताकि जो है इसमें भी कॉफ़ी का फ्लेवर आ जाए। अब जब ये ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ जाए, ये देखें ब्राउन शुगर है इसमें 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून इसमें बटर है, और 1 टेबलस्पून हमने इसमें मैदा लिया है, और 2 टेबलस्पून हमने इसमें वॉलनट्स लिए हैं। अब जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसको हम ऊपर से इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो इसे डालें, ना डालना चाहें तो आप इसको ऐसे भी बेक कर सकते हैं। और इसकी फिक्र नहीं करिएगा कि ये जो है ऊपर अलग अलग रहेगा, ये झड़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो हमने इसमें बटर डाला है वो इसमें ग्लेस पैदा करेगा, और जो हमने इसमें ब्राउन शुगर डाली है वो इसको इसके साथ जो है मच कर देगी। अब हम इसे जो है बेक करने के लिए रख देंगे, और इसकी टाइमिंग होगी तकरीबन 20 से 25 मिनट। 20 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसे, अगर ये हो गया बेक तो हम निकाल लेंगे, वरना मज़ीद इसे हम तकरीबन 5 मिनट और देंगे। अभी हम ओवन में रख देंगे, ओवन हमारा है 180 पे प्रीहीट। अब ये ओवन में से मैंने केक को निकाल लिया है, और इसे 22 मिनट लगे हैं बेक होने के लिए। और इसको चेक करने का तरीका वही है जो हमेशा मैंने आपको बताया, कि आप इसके बिल्कुल सेंटर में वुडिंग स्टिक या कोई भी छुरी डाल के देखें। ये देखें बिल्कुल साफ़ निकली है ये छुरी हमारी, तो इसका मकसद ये है कि हमारा केक अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। और दूसरा तरीका यही है देखने का कि जब ये अपने मोल्ड के किनारे छोड़ दे, तो इसका मकसद ये है कि केक हमारा अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। अब इसको हम कूलिंग रैक पे निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ेंगे। फिर इसे हम कूलिंग रैक पे निकाल देंगे, और फिर ठंडा होने के बाद हम इसे सर्विंग प्लेटर में रखेंगे। अब कुछ देर के बाद इसको हम कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, ठंडा होने के बाद हम इसे सर्विंग प्लेट पर निकालेंगे।
और ये हमने जो चॉकलेट कश करके रखी थी कुकिंग चॉकलेट, इसको हमने डबल बॉयलर पे या फिर आप चाहें तो माइक्रोवेव में कुछ सेकंड के लिए इसे मेल्ट कर लें। और ये देखें इसका टेक्सचर, इतना हमने इसे मेल्ट करना है और ये खाली हमारी जो है कुकिंग चॉकलेट है। अब ये ऊपर से हम इसके ड्रिजल करेंगे, जब ये हमारा केक ठंडा हो जाएगा तो सर्विंग के टाइम हम ये ऊपर से डालेंगे और ये ऑप्शनल है। केक भी हमारा देखें निकल गया है अच्छे तरीके से, हो गया है। अब इसे हम सर्विंग प्लेटर में रखते हैं। हमारा कॉफ़ी केक रेडी है। अब इसके ऊपर ये जो हमने चॉकलेट को मेल्ट करा था इसके ऊपर हम इसे जो है ड्रिजल करेंगे, खाली इस तरीके से ऊपर डाल दें। कोई इसका जो है ना फाइन तरीके से कुछ नहीं करना, बस इसको इस तरीके से डाल दें कि बच्चों को ये ज़्यादा अच्छी लगती है चॉकलेट और इसमें खूबसूरती भी आ जाती है। और ये मैंने खाली ऑप्शनल आपको बताया कि अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। इसमें मुख्तलिफ वेरिएशंस बनती हैं, जैसे ब्लूबेरी में ये बनाया जाता है, ये सिनेमन वॉलनट में बनाया जाता है। वॉलनट में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जैसे 7 अप्रैल को इसका बाकायदा नेशनल कॉफ़ी केक डे मनाया जाता है। इसको एक कप कॉफ़ी के साथ आप इसे सर्व करें आने वाले मेहमानों के लिए, तकरीबन इसको कितनी देर लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो लगेंगे 30 से 40 मिनट लगते हैं। 10 मिनट हमारी मिक्सिंग होती है और बाकी जो है 20 से 22 मिनट या 25 मिनट हमारी बेकिंग है। आप इसे बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी मेरी पसंद आएगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसको मैं काट के भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको इसका लुक पता चले। इसको थोड़ा सा काट देती हूँ ताकि इसका अंदर से भी आप लोग देखें। बहुत सॉफ्ट केक होता है और बहुत टेस्टी केक होता है ये, दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला केक है ये। इस तरीके से आप इसकी कटिंग करें, इसके सॉफ्टनेस देखें, ये अभी बिल्कुल फ्रेश है। थोड़ा सा इसे ठंडा करके आप काटेंगे तो जो है ये बिल्कुल सही कटेगा। इसको आप बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।